वीडियो होने वाला है थोड़ा सा एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। अगर आप लोग केक लवर हो तो प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो को देखो। मैं आज एक ऐसी प्लेस पे जाने वाली हूँ जहाँ का केक मैं टेस्ट करने वाली हूँ। मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट मैंने सुना है कि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो मैं खुद जाके वहाँ पर चेक करने वाली हूँ। ये प्लेस मीरा रोड में है। कहाँ पर है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो इफ़ यू आर एक्साइटेड एंड अ केक लवर, सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो। अरे यार कर दो, दूसरी गुड न्यूज़ भी अभी दे दूँगी। कर दो सब्सक्राइब मेरे चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को। तो चलिए मैं आप सबको अपने साथ लेके जाती हूँ। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कितनी ब्यूटीफुल वेदर है आज का। तब ऑटो नहीं मिलता है और जब नहीं चाहिए होता है जब ये लोग आके सामने खड़े हो जाते हैं। आई एम गेटिंग लेट। सो फाइनली मुझे ऑटो मिल चुकी है और मैं अभी रिलैक्स होकर यहाँ पर आप लोगों से बात कर सकती हूँ। लेट मी चेक माई माइक। हाँ, प्रॉपर है। सो दूसरा रीज़न है वो है कि ईद पे मेरी स्कूल की फ्रेंड का बर्थडे था और मैं उसे नहीं मिल पाई। सो मैंने उसके लिए गिफ्ट लेके रखा था जो कि है इसके अंदर, जिसको मैं पैक करवा रही थी। आपने इसके पहले वाले क्लिप में देख लिया होगा। सो मैं उसी के साथ जा रही हूँ केक शॉप। ये हमारे एरिया में न्यू केक शॉप ओपन हुआ है तो मैं उसी के साथ जा रही हूँ। मैंने सोचा कि उससे अच्छा कोई ओकेशन ही नहीं होगा कि हम दोनों साथ में जाएं वहाँ पर, तो मेरे अलावा भी किसी और का ओपिनियन मिल जाएगा कि वो शॉप वर्थ इट है या नहीं। बिकॉज़ हम मॉन्जिनियस ये सब जगह तो जाते ही रहते हैं, तो अगर कुछ न्यू खुला है तो क्यों ना उसको भी एक्सप्लोर किया जाए। सो मैं उसी के लिए अभी ऑटो में बैठ के उसे मिलने के लिए जा रही हूँ। सो लेट्स सी इसको गिफ्ट पसंद आता है या नहीं एंड हम दोनों को केक शॉप पसंद आता है या नहीं। तो बाय। बाय द वे मैं बोलना ही भूल गई, हैप्पी बर्थडे सुदीक्षा। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। तू बहुत 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 तुझे सक्सेस मिले और तू बहुत बड़ी डॉक्टर बने एंड तू इतनी अच्छी फिजियोथेरेपी बने कि मेरा बैक पेन ठीक हो जाए। सो ऑल द बेस्ट। So I met my friend and we both reached the cafe. When I entered the cafe, I was shocked because it is such a beautiful place to hang out with your friends. There are multiple options if you can see in this video. Apart from cake and pastries, they have sandwiches, coffee, and they have cookies also to gift someone. So there are so many options available apart from just cake and pastries. So that I think is awesome. इसका इंटीरियर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेस्टल कलर्स चूज़ किए ये लोगों ने डेकोरेशन में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यू कैन सी द बैकग्राउंड। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेस है। मेरी फ्रेंड ऑर्डर करने गई। अभी देखो सबसे पहले तो गेस करना है, ठीक है? हाँ। कि मैंने देखो क्या गिफ्ट दिया। मैं देखो हिंट देती हूँ। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था तो तूने तो ऐसा हाँ कमेंट किया है, लाइक मेरा कलेक्शन मैंने पोस्ट किया था तो उस पर कमेंट भी किया था। तो ये तेरा नहीं कुर्ती कौन सी पोस्ट किया है मैंने? भगवान नहीं, कुछ तो कपड़े शॉल। चल ठीक है खोल, तेरे को पता चल जाएगा। अच्छा चल ठीक है खोलने से पहले एक बता दे। हाँ फर्स्ट गेस राइट, कितने गिफ्ट हो सकते हैं इसके अंदर तेरे अकॉर्डिंग? आई गेस 3-2। ये दिख रहा है कुछ स्ट्रॉन्ग सा बड़ा और एक सॉफ्ट सा। चल ठीक है, तूने लास्ट एक ही डिसाइड कर, 2 या 3? 2। चल ठीक है देखते हैं, अभी ओपन कर। एक मिनट ना। क्या बात है, तो रॉन्ग थी। तीन गिफ्ट है इसके अंदर। ओके
अच्छा, वो तेरे तेरे हाँ तेरे वाइट शूज के साथ मैच हो जाएगा। और पहली बात मेरा फेवरेट कलर है। तो तूने बोला था कि देखो भी लिपस्टिक चाहिए करके। और ये बातें पढ़ना। अच्छा ओके लिखना होता है। थैंक यू। हम अनोखे हैं जो केक शॉप में आके सैंडविच। ठीक है केक ले ले। फ्रेंड्स लोग ये सब चीजें करवा रहे हैं बर्थडे के नाम मुझे बुला के मेरे ही बना रहे हैं ये ऐसा की याद कर रहे हैं हमें सबको पता चले फ्राइड में हेल्दी खा रही हूँ ये हेल्दी नहीं खा रही है दिखने में तो मेरा भी हेल्दी दिख रहा है बट हम लोग अनोखे हैं जो केक शॉप में आके सो सैंडविच वॉज गुड बहुत ही ज़्यादा हैवी था केक्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे तुमने केक खाया है ना यहाँ पे कुकी भी खाया कुकीज खाए अच्छा है बट थोड़ा सा कॉस्टली है थोड़ा सा कॉस्टली है अभी मेरे को मैनेजर बनने में टाइम फिर आएंगे हम यहाँ So I also wanted to try pastry, so that is the reason I choose brownie. दिखने में तो अच्छा दिख रहा है ये मुझे लगा कि सबसे सस्ता होगा बट ये सस्ता नहीं था ये भी मुझे 100 रुपये देने पड़े मुझे इसके तो मुझे डर लग रहा है कि मैं यहाँ बैठ के फ्राई करूँगी तो ये मुझे बाहर ना निकाल दे तो ठीक है एक एक बाइट टेस्ट करते हैं सबका लग रहा है ये ब्राउनी नहीं है कॉफी को बहुत टाइम तक यूज नहीं किया किसी ने जमा दिया मेरे फ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया मुझे अपनी लाइफ में अगर रिग्रेट हुआ होगा तो अपने एक्स के बाद इसको खाने को मतलब एक्स को बोलना जितना पेनफुल उससे ज़्यादा पेनफुल है इसको उतना ही पेनफुल मुझे इसका पे करके हुआ The place is good, but the price is not, and the people are there is also a little bit rude. क्यों हटी रे? आजा आजा. So यहाँ का experience कैसा था सुदीक्षा? एक मिनट तेरी आवाज़ नहीं आ रही अच्छा मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी मैंने बोला कि सब कुछ अच्छा था बस पैसे बहुत ज़्यादा थे सैंडविच ओके ओके टाइप्स था और कुकीज़ ये सब तो हम खाते रहते तो अच्छी है वो बस थोड़ा पैसा कम कर दे तो हम हमेशा से आ जाएंगे अच्छी दिख रही हूँ मैं ठीक है सो ये था मेरी फ्रेंड का फीडबैक और मेरा फीडबैक ये है कि प्लीज़ मॉन्जिनिस बाकी जो भी दुनिया में केक शॉप है वहाँ जाओ यहाँ पर आ सकते हो लेकिन बहुत सालों के बाद जब आप रिटायर हो जाओगे बहुत सारा आपके पास पैसा होगा तब क्योंकि मैंने सोचा कि सबसे सस्ती वाली ब्राउनी टेस्ट करती हूँ मैं 85 रुपीज़ की लेकिन वो भी मुझे 85 में नहीं मिली 115 रुपये GST सर्विस तो कुछ नहीं है सिर्फ यहाँ का वो अच्छा है इंटीरियर अच्छा है बट हाँ टेस्ट अच्छा है ओके ओके है तो अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो प्लीज़ यहाँ पर आना बाय